हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम पाइथन में चले तो थोड़ी देर के बाद उसका आउटपुट दिखे, तो उसके लिए आप स्लिप का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से न्यू फाइल लेना है और यहाँ से पाइथन पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम वो प्रोग्राम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम, अब कौन सा मॉड्यूल होगा तो टाइम मॉड्यूल से इसे उठाएंगे, तो फ्रॉम यहाँ लिखेंगे टाइम। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिखना है और यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे इसको टाइम को, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है इम्पोर्ट, IMPORT, ये हो गया। और फिर यहाँ पे क्या करना है, स्लिप लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसी का तो यूज करना है हमें। अब यहां पर आते हैं तो कितने देर के बाद आपका जो आउटपुट है वो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 10 सेकंड कर देते हैं, तो यहां पे 10 सेकंड दे दिया मैंने, ठीक है। अब 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा जब ये प्रोग्राम चलेगा तो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे प्रिंट करवा रहा हूं और क्या प्रिंट करवा रहा हूं, आई एम अ प्रोग्रामर, बस यही प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है। और ये लिख दिया है हमने, अब इसको चलाने की बारी है। तो क्या 10 सेकंड का वेट करना होगा हमें, सवाल यही है। तो जवाब बिल्कुल सिंपल है कि जी हाँ, बिल्कुल 10 सेकंड का वेट करना होगा तभी ये प्रिंट होगा। तो आप चलिए अब इसे चला लेते हैं, तो यहां पर इसे चलाता हूं, वेट कर रहे हैं आप, देखिए 10 सेकंड का वेट करना होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 10 सेकंड के बाद यहां पे ऑटोमेटिक आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहां पे 10 सेकंड के बाद जो है ऑटोमेटिक आउटपुट आ जा रहा है, यानी आप स्लिप का यूज कर सकते हैं डिले करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है टाइम जो है 2 है, यहां पे मैं और ज्यादा टाइम को इंक्रीज कर देता हूं, लाइक 20 सेकंड कर देता हूं। तो आप 20 सेकंड करेंगे ना, तो 20 सेकंड तक आपको वेट करना होगा आउटपुट देखने के लिए। तो यहां पर इसे चला देते हैं, अब वेट कर रहे हैं हम, 20 सेकंड वेट करेंगे तभी हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो 20 सेकंड तो वेट करना ही करना होगा। तो यहां पर देखिए, अभी तक आउटपुट डिस्प्ले हो गया होता, लेकिन अभी 20 सेकंड हमें वेट करना है तब जाके ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो अब देखिए 20 सेकंड ही वेट करना पड़ेगा, तो वेट करते हैं। तो देखिए 20 सेकंड के बाद अपने आप ये आउटपुट डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आप 20 सेकंड के बजाय कुछ और कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां पर ला करके पेस्ट करता हूं, और अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं 2 सेकंड कर देता हूं, 2 सेकंड या 3 सेकंड, 5 कर देते हैं, चलिए आपको पता चलेगा। तो ये 5 कर दिया है। अब इस 5 सेकंड से क्या होगा, यहां पर जब हम इसे चलाएंगे तो देखिए यहां से इसे मैं चला रहा हूं, अब देखिए तुरंत आउटपुट डिस्प्ले होगा। देखिए 5 सेकंड के बाद आउटपुट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये वो तरीका है कि आपको अगर प्रोग्राम में डिले कराना है तो इस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है।